भगवान का महानी महानी था। कठी कठी कले बादल छाए थे। मुस्कुराइए मत, ये हंसने की बात नहीं है कि ग्रामीण भारत में पांचवी क्लास में पढ़ने वाले 52% बच्चे दूसरी कक्षा की हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। छठी क्लास के करीब 59% बच्चे और आठवीं में पढ़ने वाले 74.6% छात्र दूसरी कक्षा की हिंदी पढ़ने के काबिल भी नहीं है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर की रिपोर्ट बताती है कि देश में शिक्षा का अधिकार बेअसर साबित हो रहा है। ग्रामीण भारत में आठवीं कक्षा के करीब 56% बच्चे सामान्य घटा जोड़ भी नहीं कर पाते, जबकि तीसरी कक्षा के करीब 75% बच्चे दो अंकों को घटाना भी नहीं जानते। गांव के स्कूलों में पांचवी कक्षा के 75.2% छात्र दो संख्याओं को घटाने में नाकाम रहते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर हमेशा से ही चिंता का विषय होता है, लेकिन ग्रामीण भारत में सरकारी स्कूल किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब स्कूलों में टीचर ही ना के बराबर हों तो बच्चों को पढ़ाए कौन। टीचर्स की संख्या कम है, इसकी वजह से चौथी और पांचवी साथ बैठी है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, हर जगह होता है। इस हालात के लिए देश में शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी वजह है, और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 और 14 में देश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की संख्या 9,08,690 थी। देश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या 19,90,00,000 है। इन प्राइमरी स्कूलों में 6,06,191 शिक्षकों की कमी है। शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत के सिर्फ 49.3% स्कूलों में ही इस नियम का पालन हो रहा है। जब भी स्कूल की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में ब्लैक बोर्ड की तस्वीर आती है, लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 3,680 सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ते हैं। देश के 20% शिक्षक अयोग्य यानी बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है। सरकारी स्कूलों में 84% शिक्षकों को आपात स्थिति में फर्स्ट एड जैसी जरूरी बातों का भी ज्ञान नहीं है। 42% सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, और इतना सब होने के बावजूद हमारा सिस्टम रट लगाए रहता है कि स्कूल चले। जिस देश में शिक्षा के हालात इतने खस्ताहाल हो, उस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अनपढ़ होने की बात जानकर किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2014 के मुताबिक भारत में 28,70,00,000 लोग ऐसे हैं जो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। ये संख्या फ्रांस की कुल जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा है, यानी दुनिया की 37% निरक्षर आबादी हमारे और आपके देश भारत में ही रहती है, और भारत में 7.1% बच्चे आठवीं कक्षा से पहले ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं। हमने इस खबर को प्राथमिकता इसलिए दी क्योंकि ये सीधे सीधे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत सारे लोगों को ये खबर बहुत बोरिंग लग सकती है, लेकिन हमें लगता है कि देश के हित में ऐसी खबरों को दिखाना और सुधार पर जोर देना।